लेट्स डिस्कस मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस। अब देखिए, अगर एखादा भारी भक्कम सब्सटेंस हो तो उसे हम काफी आसानी से गिन सकते हैं, जैसे कि शुगर है या फिर वीट या राइस, इसको हम किलोग्राम्स में गिनते हैं जो हमें नेकेड आई से दिख पड़ता है। लेकिन अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन को गिनो, अब देखिए इलेक्ट्रॉन हो गया, एटम हो गया या सिंगल मॉलिक्यूल हो गया, आयन है, सो दीज एंटिटीज कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, इनको हम देख नहीं सकते। अब जब देख ही नहीं सकते तो इनको डिटरमाइन करना कैसे, उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन चाहिए। सो ऐसे जो माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज है उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट बताया गया है मोल। अब देखिए, मोल ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि देखिए, हम केले लेने जाते हैं, बनानास, सो हम उसको डजन में क्या बोलते हैं, उसको परचेस करते हैं। डजन इंडिकेट्स अ नंबर, डजन का मतलब होता है 12। पेजेस अगर हमें लेना हो पेपर्स, तो हम दस्ता में उसको क्या बोलते हैं, उसको खरीदते हैं, दस्ता का मतलब होता है 24। सो दस्ता, डजन, दीज यूनिट्स रिप्रेजेंट नंबर। उसी प्रकार से मोल रिप्रेजेंट नंबर, और इसको हम खासकर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। सो मोल इज यूज्ड टू डिनोट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ये सबसे पहले हमें समझ लेना होगा। और एसआई सिस्टम में इसको सेवेंथ फंडामेंटल यूनिट के तौर पे भी इंक्लूड किया गया है। सो इन एसआई सिस्टम मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज सेवेंथ बेस क्वांटिटी फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस करने के लिए इसको सेवेंथ बेस क्वांटिटी के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया। अब वन मोल कंसिस्ट ऑफ एन एग्जैक्ट नंबर, जिसे हम एवोगाड्रोस नंबर बुलाते हैं, तो याद रखें कि वन मोल कंटेन्स एग्जैक्टली हाउ मच, 6.02214076 इंटू 10^23 एलिमेंटरी एंटिटीज यानी किसी भी सब्सटेंस का वन मोल अगर हो तो उसमें इतने पार्टिकल्स हमें दिख पड़ते हैं, और ये नंबर फिक्स होता है, इसे एवोगाड्रोस कांस्टेंट कहा जाता है, याद रखना। सो दिस नंबर इज फिक्स्ड एंड नोन एज एवोगाड्रोस कांस्टेंट, जिसको हम NA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको जब हम पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, तब उसको एवोगाड्रोस नंबर कहना चाहिए, याद रखें। सो व्हेन इट इज एक्सप्रेस, when it is expressed as the unit of per mole या mole inverse जिसको हम बोलेंगे, then it is called as Avogadro's number, इसको हम Avogadro's number बुला सकते हैं। अब जो एलिमेंट्री एंटिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो एक चीज याद रखें,
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स है जिसे हम देख सकते हैं, जैसे इंसान, हम 1 मोल ऑफ पीपल ये नहीं बोल सकते। इसके पीछे का कारण यह है कि मोल बहुत बड़ी संख्या है, यानी ह्यूज नंबर। हाँ, हम 1 डजन बनानास बोल सकते, क्योंकि डजन इंडिकेट्स 12। मोल बहुत बड़ी संख्या है, ये देखिए, इट इज ह्यूज नंबर। सो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है उनको मोल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम। हमें सोचना होगा एलिमेंट्री एंटिटीज का मतलब क्या। जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनका समावेश हो सकता है। सो ये हमें सबसे पहले समझना होगा। सो एलिमेंटरी एलिमेंटरी एंटिटीज में बी, इसमें एटम हो सकता है, एटम, उसके बाद आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन ये हो सकते हैं जिसको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते। सो इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मोल इस्तेमाल करना चाहिए। सो टू डिटरमाइन द नंबर प्रिसाइजली, नंबर प्रिसाइजली द मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12 वॉज डिटरमाइंड। सबसे पहले ये काम किया गया, डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन 12 का मास डिटरमाइन किया गया एंड फाउंड टू बी इक्वल टू 1.992648 इंटू 10^-23 ग्राम। ये निकला मास ऑफ कार्बन 12। अब 1 मोल जो है किसका, अपने कार्बन 12 का, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे ये कैसे हम निकाल सकते हैं, याद रखें। सो 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन विच वेज, उसका वेट जो है विच वेज 12 ग्राम, दस कंटेन नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू, देखो 1 मोल कार्बन का वेट जो है वो होता है 12 ग्राम। अब इसके अंदर कितने टोटल एटम्स होंगे ये हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। सो एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द नंबर जो हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला, दैट इज 1.992648 इंटू 10^-23। अब इसको जब हम फाइनलाइज करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 6.022137 इंटू 10^23 एटम्स पर मोल। याद रखें, यानी 1 मोल कार्बन 12 के अंदर इतने पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यानी एटम्स प्रेजेंट है हम बोल सकते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग कंटेन्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, याद रखें। हेंस वी कैन से दैट 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये चीज हमेशा हमें याद रखना होगा। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, NS। तो ये था मोलर मास एंड व्हाट मोल कंसेप्ट।
लेट्स डिस्कस मोल कंसेप्ट एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचटीपी और एनटीपी। अब देखिए एचटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर नॉर्मली हम लोग कंसीडर करते हैं 273 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फियर, और एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फियर कंसीडर होता है। सो ये चीज हमें सबसे पहले याद रखना होगा। सो एनटीपी इज नॉर्मल टेम्परेचर दैट इज 298 केल्विन एंड प्रेशर, एंड व्हाट प्रेशर दैट इज 1 एटमॉस्फियर। ये चीज हमें याद रखना होगा। और एचटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, याद रखें। सो एचटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर दैट इज 273 केल्विन एंड प्रेशर दैट इज 1 एटमॉस्फियर। ये कंडीशंस याद रखे। सो फॉर ऑल गैसेस वी हैव आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो फॉर गैसेस वी हैव आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको हम लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब इसमें P का मतलब होता है प्रेशर इन एटमॉस्फियर्स, V इज द वॉल्यूम इन लीटर्स, N बोले तो नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर, और उसके बाद R बोले तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लीटर एटमॉस्फियर में उसकी वैल्यू होती है 0.0821। सो याद रखे इसमें के जो एंटिटीज है, सो वेयर P इज व्हाट प्रेशर which must be expressed in atmospheres, V is equal to what volume expressed in liters, N is equal to number of moles, उसके बाद R it is the gas constant, universal gas constant भी कहा जा सकता है, और T का मतलब होता है temperature, T is what temperature। अब अगर हम HTP की बात करें, at HTP हमें पता चलता है, देखिए एट एचटीपी अगर हम इन सभी के वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमें पता है एट एचटीपी टेम्परेचर 273 हमें पुट करना होता है, आर लेटर एटमॉस्फेयर में 0.0821, ये सब चीजें अगर हम करें तो एन इज इक्वल टू वी बाय 22.4, ये हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब होता क्या है, देखिए 1 मोल अगर आप किसी भी गैस का कंसीडर करेंगे एट एचटीपी तो दैट ऑक्यूपाइज दिस मच वॉल्यूम, याद रखें। अगर एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इसको इधर शिफ्ट करो, सो वी इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स हमें मिलेगा एट एचटीपी। सो इसका मतलब ये होता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर बाय वॉल्यूम एट एचटीपी। लेकिन हम दो गैसेस या कोई कितने भी गैसेस जब कंपेयर करें तो कंडीशंस इस तरह के होने चाहिए। और अब एनटीपी की हम बात करेंगे, सो फॉर एनी गैस एट एनटीपी, देखिए एनटीपी में होता क्या है कि टेम्परेचर हम लोग कंसीडर करते हैं 298, तो इसमें आंसर आएगा एन इज इक्वल टू बी बाय 24.46। सो अगर हम 1 मोल ऑफ गैस कंसीडर करते हैं तो दैट ऑक्यूपाइज दिस मच वॉल्यूम, ये इसका मतलब होता है। लेकिन हम नॉर्मली जो इक्वेशन यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, याद रखे। सो बट वी यूज द जनरल इक्वेशन एज, इसमें हम लोग यूज करते हैं नंबर ऑफ
मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस, ऑफ आइडियल गैस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर. सो इससे एक चीज हमें पता चलती है, वन मोल ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स 22.4 लीटर बाय वॉल्यूम, याद रखें. सो दस वन मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स बाय वॉल्यूम, ये हमें पता रहना चाहिए. सो इट वॉज ऑल अबाउट द मोल कंसेप्ट एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस एट HTP और NTP.